मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है मुंब्रा के रेती बंदर गणेश घाट पर, और आपको बता दें कि आज यहां पर जिला अधिकारी और कलवा पुलिस मुंब्रा पुलिस के तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में दीवा खाड़ी के तरफ से दो बास में कार्रवाई की गई, वहां पर 16 जिलेटिन की छड़ और 17 डेटोनेटर जो है बरामद किया गया है। ये बड़ी सामग्री है विस्फोटक की, जो पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने और जिलाधिकारी ने कार्रवाई करके बरामद किया है। दरअसल आज जो है जिलाधिकारी कार्यालय के तरफ से जो अवैध रेती खनन यहाँ पर होता है उस पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचे थे, और गणेश घाट से यहाँ से शुरू किया गया कार्रवाई करने के लिए। और कार्रवाई करते हुए जब जिलाधिकारी के अधिकारी दीवा खाड़ी में पहुंचे तो वहां पर दो बास मिले जिस पर कार्रवाई की जा रही थी, और उसी बास के अंदर से जो है 16 जिलेटिन की छड़ और 17 डेटोनेटर बरामद किया गया है। हालांकि इसकी जैसे ही जिलाधिकारी कार्यालय ने विस्फोटक सामग्री देखी, वैसे ही जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, और मौके पर कलवा पुलिस और मुंब्रा पुलिस और इसके अलावा क्राइम ब्रांच आईबी के तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँच गए, और जो जिलेटिन की छड़े हैं और डेटोनेटर है पुलिस ने ये बरामद कर लिया है। हालाँकि बताया जा रहा है अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि एक तरफ जो है आने वाले समय में गणपति उत्सव का त्यौहार है और वहीं जो है ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है, तो आखिर इतनी बड़ी विस्फोटक सामग्री जो है कौन लोग हैं वो जो लेकर आए और इसके पीछे किसका हाथ है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है जाँच कर रही है। लेकिन जिस तरह से आज दोपहर के वक्त ये सनसनीखेज मामला सामने आया कि दीवा खाड़ी के तरफ से जो कार्रवाई करते हुए 16 जिलेटिन के छड़े और 17 डेटोनेटर बरामद किया गया है, और कलवा पुलिस के सीनियर पीआई कन्हैया थोरात ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, और जिला अधिकारी कार्यालय के तरफ से वरिष्ठ जो अधिकारी आए थे यहाँ पर सचिन भोयर, उन्होंने इसको लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आपको किस तरीके से इसकी जानकारी? आज कलेक्टर ऑफिस का विजिलेंस टीम रेती निकालने वालों पर कार्रवाई करने के लिए दीवा खड़ी गया था। वहाँ पर उन लोगों को दो बार्ज मिले हैं, उसमें से एक बार्ज पे जिलेटिन और डिटोनेटर मिले हैं। उसमें से जिलेटिन 16 कांडी है और 17 डिटोनेटर मिले हैं। आगे की कार्रवाई चालू है, हम लोग पंचनामा करके कायदेशीर कार्रवाई करें। रेती बंतर जिस तरीके से पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है, इस तरीके से जिलेटिन का मिलना और वो भी अवैध खनन के दौरान, कितना ये घातक हो सकता है आने वाले समय में? जो अभी बार्ज मिले हो यहाँ पर रेती अपना गणेश विसर्जन घाट पे नहीं मिले, वहाँ आगे खाड़ी में मिले हैं। यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन का बराबर बंदोबस्त रहता है। सर, आने वाले समय में सेंट जिस तरीके से गणपति हो या अदर दीगर त्यौहार आने वाले, उसके मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा जो है और बढ़ाई जाएगी? यहाँ पे रेती उत्खनन पे जिलाधिकारी कार्यालय से वहाँ से कार्रवाई होती है। पुलिस स्टेशन पे आज तक कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है। अगर ऐसी कुछ कंप्लेन पुलिस स्टेशन पे आती है तो हम लोग कार्यशील कार्रवाई करने वाले हैं। जिलाधिकारी लगातार कार्रवाई कर रही है, जो समोर बगाड़ी इकडे क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? हां, बूम डाउन कर, बता दीजिए। माधव बूम ने दी जिलेटिन की जो गाड़ी मिली है, जिलेटिन की जो गाड़ी मिली है उसमें वो बाज में थी, और उसका व्यापार किस लिए होता है वो हमें भी पता नहीं, और जिलेटिन है वो भी हमारे स्टाफ थे, पुलिस कांस्टेबल थिटमे मेजर, उन्होंने बताया कि ये जिलेटिन की गाड़ी है, तो उसे पता चला ये जिलेटिन है। तो फिर बाद में हम जब इधर आए तो पुलिस यंत्रणा भी आ गई, तो उन्होंने कार्रवाई आगे की उसमें की है। रेती बंदर जो है हमेशा रहबरी का इलाका रहता है, यहाँ पे शाम के टाइम अनेक लोग यहाँ पे पर्यटन स्थल के नाम पे रहते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में सन भी है यहाँ पे, तो क्या लगता है उसी को देखते हुए इस तरीके से जिलेटिन की गाड़ियाँ मिले, कहीं कुछ ना कुछ होने की आशंका बताई जा सकती है? ये बोल नहीं सकता, क्योंकि ये बात जो है वो रेती के लिए यूज होता है जो बात हमने, और उसके साथ सेक्शन पंप भी था, तो ये रेती के लिए बात है। कितना जिलेटिन की कांडियां मिली है जिसमें कुछ जो है सेट भी रेडी था जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, उसके बारे में आपको पुलिस यंत्रणा जानकारी दे सकती है? की कांडियां पाई गई है जितने कितने थी वो मैंने काउंट नहीं की, जो थी वो पुलिस को दिखाया और उन्होंने वो निकाली। सर, आपका पूरा नाम और आपका पद? मेरा नाम सचिन भोईर है, मैं सीनियर क्लर्क हूँ कलेक्टर ऑफिस थाना।